फॉर सिटी में आपका स्वागत है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े हिंदूराव हॉस्पिटल में पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ ने बीते 3 माह से सैलरी व अन्य भत्ते न मिलने के विरोध में एमसीडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया कि उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती। आज हिंदूराव हॉस्पिटल के पैरा मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ के द्वारा केवल 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल व प्रदर्शन किया गया, लेकिन हॉस्पिटल कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन के माध्यम से एमसीडी प्रशासन को जगाने का काम करते हुए कहा है कि यदि इस संकट काल के समय भी उन्हें शीघ्र सैलरी नहीं मिली तो वे बेमियादी हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं तेजेंद्र सिंह गुर्जर पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ वेलफेयर का अध्यक्ष हूँ और हमारी 3-3 महीने 4-4 महीने की तनख्वाह हो जाती है और एक तनख्वाह दे देते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। फ़ोन करते हैं, सुरेश भाई तेरी तनख्वाह आएगी, सुरेंद्र भाई तेरी तनख्वाह आएगी। हमें ऐसा होता है कि ससुराल से कोई बच्चा आ गया। मैं डॉक्टर्स नर्सिस पैरामेडिक, एक हमारे लैब टेक्नीशियन की डेथ होगी कोरोना से, उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई लेना ना तो कोई देना है। एक वार्ड बॉय ख़त्म होगा, एक डॉक्टर ख़त्म हो गया और अभी कई हमारे सस्पेक्टेड चल रहे हैं कर्मचारी। आम आदमी सरकार का ये तो ये दावा है कि जो भी इस महामारी में शहीद होगा या शहीद ही कह सकते हो, देखो हमारे सर हमें पीपी किट भी नहीं है, ग्लव्स भी नहीं है और कोई दवाई भी नहीं दी गई है। सच्चाई तो ये भी हिंदूराव के अंदर सारे कर्मचारी हमारे बिगैर पीपी किट के हैं। N95 मास्क भी मिल रहा है, इतनी प्रक्रिया है, आदि पागल हो जाता है। महीने में 2 N95 ये मैं 15 दिन से ये पहन रहा हूँ, जिसमें गाइडलाइंस है कि 1 दिन के बाद दूसरा N95 मिलना चाहिए। 15 दिन हो गए मेरे को इस एक अपने घर में धो लेता हूँ, रात को सुखा देता हूँ, सुबह से पहन के आ जाता हूँ। समस्या वेतन एक मौलिक अधिकार है प्रत्येक कर्मचारी का, भारतीय संविधान के अनुसार मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए, किंतु प्रशासन की ये तानाशाही और ये जो हठधर्मिता है, कर्मचारी पिसरा है, भाजपा और दिल्ली सरकार की तूतुमेमे में हमने काम किया है और काम के बदले में हमें उसका मेहनताना मिलना चाहिए समय पर। राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, यही हमारा स्लोगन। मैं इंदू, नर्सिंग ऑफिसर इंदू। जी आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, किस विषय में, किस को लेकर और पहले भी आप लोग इस तरीके से कर चुके हैं? ये हम बहुत बार हमें करना पड़ता है क्योंकि हर 4-5 महीने के बाद हमारी सैलरीज रुक जाती हैं। अभी फिर हमारी सैलरी 2 महीने से नहीं आई है, 3रा महीना भी ख़त्म होने वाला है 2 दिन में। कुल मिला के हमारी एक तरह से 3 महीने की सैलरी 2 दिन के बाद ड्यू हो जाएगी। बहुत मुश्किलों से कोई भी सर्विस क्लास बंदा ये बात समझ सकता है कि हम किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, सिवाय हमारे एमसीडी के प्रशासन के और नेतागणों के, बाकी हर आम इंसान हमारी मुश्किल को समझ सकता है। बात करी जाए कोरोना की तो आप लोग अपने सेवा कर रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप लोग क्या पीपी किट ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड हो रही है? जी हाँ, पीपी किट प्रोवाइड हो रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है और पीपी किट के साथ हमारे यहाँ सिर्फ एक पंखे के सहारे हमें छोड़ दिया जाता है कि आप इस पंखे के सहारे आप पीपी किट पहनिए और 6 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी कीजिए, उसके बाद चाहे आप फेंट हो जाएँ, चाहे आप डिहाइड्रेटेड हो जाएँ, उसकी परवाह किसी को नहीं है। लोकल पीपी किट आ रही है।